हेलो चिल्ड्रेंस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 8 नंबर से बियर बनाना सिखाएंगे, यानी भालू, बहुत ही आसान तरीके से। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा तो आपको 8 नंबर से बियर बनाना आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहले आपको यहाँ पे पेज के बीचों बीच में 8 लिखना है। हो सके तो आप मेरे साथ ही बनाते रहिए प्यारे बच्चों। पहले आप 8 लिखिए, ये हो गया हमारा 8। बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपसे हमारा एक क्वेश्चन है, आपको जो है बियर की स्पेलिंग कमेंट करके बताना है। ये हो गया, पहले आप 8 बनाइए, हमारा 8 हो गया। इसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको ऐसे दो लाइन यहाँ पे खींचनी है, दो लाइन आप यहाँ पे खींचिए, ये हो गया। दो लाइन आपको यहाँ पे भी सेम प्रोसेस ऐसे करना है, यहाँ पर भी आपको ऐसे करना है, ये हो गया हमारा। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये कर दीजिए, ये बियर का हैंड हो गया, ये लेग हो गया और ये भी लेग हो गया प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद यहाँ पे ओवल शेप बनाइए, इसको ब्लैक कर दीजिए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे एक सर्किल बना दीजिए, हमारा सर्किल हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे 3 लिखना है प्यारे बच्चों। 3 लिखने के बाद आप यहाँ पे एक सर्किल बनाइए, एक सर्किल यहाँ पे बनाइए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पे डॉट लगा दीजिए, ये हो गया। यहाँ से ऊपर की तरफ करते हुए ये बियर का ईयर हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे बीच में आप हार्ट बना दीजिए तो बहुत ही प्यारा लगेगा बियर ये हमारा। इसके बाद इसको डबल कर दीजिए और बियर के हैंड में जो है हम इसको आइसक्रीम पकड़ा देते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आप बियर की स्पेलिंग के साथ साथ आइसक्रीम की भी स्पेलिंग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा प्यारे बच्चों।